नमस्कार दोस्तों, अभी मूली का सीजन चल रहा है दोस्तों, और मूली सब मतलब मूली खाने का मन करता है। तो ऐसे अगर मूली खाते हैं ना तो सर्दी हो जाता है, तो क्यों ना हम उसका अचार बना लें या मूली का पराठा बनाकर खाएं। तो हम तो मूली का पराठा दोस्तों अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर ली हूँ, आप जाकर के वहाँ से देख लीजिएगा। और आज मैं बना रही हूँ मूली का अचार। तो इसके लिए मैंने मूली धो लिए हैं और इसको मैं छील रही हूँ। अब दोस्तों मैं इसको क्या करूँगी ना, छोटा छोटा टुकड़ा में काट लूँगी। आप जिस साइज़ का मतलब काटना पसंद करते हैं खाना, उस साइज़ का काटिए। अगर आप गोल शेप में चाहते हैं तो गोल शेप में काटिए, लंबा शेप में चाहते हैं तो लंबा शेप में काटिए। तो मैं कुछ इस तरीके से काट लेती हूँ लंबा लंबा, क्योंकि पकड़ के खाने में ना बहुत अच्छा लगता है, और बच्चों को भी दे दो तो पकड़ के खाते हैं। मूली हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, लेकिन सर्दी के दिन में होता है ना तो हम लोग डर जाते हैं ना कि कहीं सर्दी खांसी हो जाएगा। तो आप इस तरीके से अचार के बनाकर खाइएगा तो आपको सर्दी खांसी नहीं होगा और बहुत मज़ा आता है। तो देखिए, हम सारे मूली को इस तरीके से काट लिए हैं। अब हम इसमें डाल देंगे दोस्तों, थोड़ा सा नमक डाल देंगे। इससे क्या होगा ना कि जो भी इसमें का मूली का पानी हो ना, वो सब एक्स्ट्रा निकल जाए। याद रखिए, कभी भी मूली मतलब काटने के बाद नहीं धोएं। आप काटने से पहले धो लें, लेकिन काटने के बाद बिल्कुल ही नहीं धोएं। तो उसको मैंने 1 घंटा के लिए रख दिए। और ये अब हम उसमें डालेंगे, मिर्चा भी डाल देंगे, क्योंकि मूली जो होता है ना उसमें अगर मिर्चा का तीखापन जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पे अगर हरा मिर्चा डालेंगे तो हमारा मिर्चा के भी अचार साथ साथ में रेडी हो जाएगा, और सूखा मिर्चा डालेंगे तो वो तो केवल मूली का ही अचार रेडी होगा। तो हम यहाँ पर हरा मिर्चा को कुछ इस तरीके से काट लिए हैं। अब यहीं पर हम तब तक मसाला रेडी कर लेते हैं। तो हमारा जितना आपका जितना मूली है उसी का क्वांटिटी से आप मसाला रेडी करिए। हम यहाँ आधा चम्मच सौंफ लिए हैं, और आधा से कम चम्मच जवाइन लिए हैं, और आधा से भी कम चम्मच हम यहाँ पे मंगरेल लिए हैं, और यहाँ मैं मेथी ली हूँ, और ये जो होता है ना सरसों, यहाँ मैं काला सरसों यूज कर रही हूँ, आप पीला सरसों भी यूज कर सकते हैं। अब हम ये सारे मसालों को क्या करेंगे ना, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, मतलब भूंज लेंगे इसको, बिना तेल में भूजेंगे। तो हम यहाँ तवा रख दिए हैं गर्म होने के लिए, आप कढ़ाई में भी भूज सकते हैं। तो सब मसाला को आप अलग अलग भूजिए, एक साथ मिला के भूजिएगा ना तो क्या होगा ना कि कोई जल्दी भूजा जाता है, कोई लेट से भूजा जाता है, तो एक जल जाएगा और एक कच्चा रह जाएगा। तो हमें देखिए यहाँ पर मेथी भूज रहे हैं, और मेथी बहुत अच्छा से चटक गया है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एक साइड करके निकाल लेते हैं। तब तक उधर सौंफ भी रख दिए हैं, और सौंफ को भी भूज लेते हैं, और सौंफ भी हमारा हो गया है। तो सौंफ को भी हम निकाल बंद गैस को बंद कर देते हैं, और उसी पर ना अजवाइन को रख देते हैं, थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, अजवाइन को भूंजना नहीं है। तो ये देखिए हमारा मसाला जो है भूज के रेडी हो गया है, और पता तो चल ही रहा है कि घर में एकदम अचार लग रहा है, क्योंकि अचार का मसाला जो होता है ना पता महक बहुत अच्छा उसका खुशबू देता है। और ये हमारा सरसों है, सरसों को नहीं भूंजना है। तो हम क्या करेंगे, सबको हम पीस लेते हैं, बिना पानी के पीसेंगे। अचार का मसाला जो होता है ना बिना पानी का ही पिसाता है। तो ये देखिए कितना अच्छा ना ये मसाला पिसा गया, और पिसा जाने के बाद ना और घर में खुशबू दे रहा है। तो यहाँ सरसों उरसों सब मैंने मिला के पीस दिए हैं, जो भी मसाला हमारा था, और यहीं पर हम हल्दी पाउडर भी ले लिए हैं। तो ये देखिए जो हमारा मूली है ना, जो मैंने 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रखा था, उसमें पानी छोड़ दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको पानी को बंद फेंक देंगे, पानी को रखेंगे नहीं। और इसको अब क्या करेंगे ना कि अगर आपके पास धूप है ना तो आप धूप में ना इसको एक घंटा सुखा लीजिए इसको धूप में। हमारे पास तो धूप नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, किचन तावल या कोई साफ कपड़ा पर इसको फैला देते हैं, और जो भी इसका ऊपर का पानी है ना उसको ऐसे पोंछ लेंगे, और पंखे पर 1 घंटा के लिए इसको पंखा के हवा पर हम छोड़ देंगे। अगर आप धूप में सुखाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन व्यवस्था नहीं है तो आप पंखा पर 1 घंटा के लिए इसको सुखा लीजिए। तो ये देखिए मैं पंखा पर 1 घंटा के लिए सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। तो ये देखिए हमारा पंखा पर से ना आ गया, और बहुत अच्छा ना ये सूख गया है, ड्राई हो गया है, मतलब ऊपर से पानी पानी नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके का कुछ मूली होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अच्छे से जो भी हमारा जो मिर्चा हम काट के रखे हैं ना अभी ही हम डाल देंगे, मिर्चा का जो तीखापन है ना वो मूली के अंदर जाएगा। तो अगर आप सूखा मिर्चा नहीं भी डालते हैं ऊपर से तो आपका अचार बनके बहुत अच्छा से रेडी होगा। और यहीं पर डाल देंगे हल्दी पाउडर, जो मैंने पीस के मसाला रखी हूँ ना सबको मैं मिला देती हूँ, और एक बार में एक जगह नहीं डालेंगे, आप छीट छीट कर मिलाइए, उसे क्या होगा ना कि अच्छा से मिलता है। अब यहाँ पर मैं नींबू का रस डाल देती हूँ, आप आम का अचार भी डाल सकते हैं, मतलब आमचूर भी डाल सकते हैं, या नींबू का रस डालिए, नहीं तो विनेगर डालिए, तीनों में से कोई एक चीज़ ही डालिए। और अभी हम यहीं पर डाल देते हैं स्वाद के अनुसार से नमक, और कच्चा सरसों का तेल डालिए।
कच्चा सरसों का तेल अचार में पड़ता है और सारे मसाला को हम छींट छींट के ऐसे ही मिला लेते हैं। ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा जो ये कितना अच्छा जो है ना मूली का अचार जो है ना बन के रेडी हो गया है और आपको ये एकदम रेडी हो गया है। आज अभी से ये खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप इसको ना लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं मतलब, तो आप क्या करें ना, इसको धूप आपके घर में है मतलब धूप है तो आप इसको 4 से 5 दिन ना सुखा लीजिए, तब आप इसको ना स्टोर करके रखिए आराम से। अगर आपके पास धूप नहीं है, व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ठंडा के टाइम में ना धूप कहीं निकलता है कहीं नहीं निकलता है, तो आप इसको ऐसे भी 1 हफ्ता रख के खा सकते हैं 1 हफ्ता के लिए। और 1-2 महीना के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो धूप में 7-8 दिन लगा लीजिए और आराम से बोयाम में कस के रख दीजिए और निकाल निकाल के खाइए दोस्तों, बहुत ही मज़ा आता है। कोई भी खाना हो, चाहे दाल हो, चावल हो, रोटी हो, उस पर एक अचार रहता है ना या चटनी रहता है ना, तो खाना का ना स्वाद बढ़ जाता है, मतलब अच्छा लगता है खा करके कुछ चटक पटक। तो इस तरीके से आप मूली के अचार खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है शरीर के लिए, फ़ायदे ही फायदे हैं। तो आप इस तरीके से झटपट अचार जो मैं बना करके आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, बनाइए, खाइए, इंजॉय करिए मूली और मिर्चा के अचार, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे इंस्टाग्राम पूजा साथी 95 पर फॉलो करिए। फिर मैं आपसे मिलती हूँ एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।